ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंगल डोमेन पार्टिकल्स। तो जो सिंगल डोमेन पार्टिकल्स होते हैं, ये टॉपिक रिलेटेड है आपका फेरोमैग्नेटिज्म से। ठीक है, जो एप्लीकेशन होता है दरअसल फेरोमैग्नेटिज्म का, वो होता है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग डिवाइस में। ठीक है, और ये एप्लीकेशन रिकॉर्डिंग डिवाइस में किया जाता है जहाँ पे जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो सिंगल डोमेन पार्टिकल के फॉर्म पे होते हैं। ठीक, ये होते हैं सिंगल डोमेन पार्टिकल के फॉर्म पे। जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग डिवाइस या जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी, ये कंप्यूटर में आपके होता है हार्ड डिस्क के फॉर्म पे, और वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डर्स जो होते हैं वहाँ पे ये होता है टेप के फॉर्म पे। ठीक है, तो एक सिंगल डोमेन पार्टिकल अगर हम कह रहे हैं, ठीक है, वन सिंगल डोमेन पार्टिकल अगर हम कह रहे हैं, तो ये फाइन पार्टिकल होता है। ये बहुत ही फाइन सा पार्टिकल होगा, और ये जो फाइन पार्टिकल है इसे इलोंगेट किया जाता है। इलोंगेट किया जाता है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एक एंड या दूसरे के तरफ डायरेक्टेड होगा, ओरिएंटेशन को नॉर्थ या साउथ, ठीक है, या फिर प्लस या माइनस, या फिर ज़ीरो या वन से लेबल किया जाता है। जो डिजिटल प्रॉपर्टीज़ होती है उसके लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बहुत ही फाइन होना चाहिए, लगभग 10 से 100 नैनोमीटर होना चाहिए, ताकि एक पार्टिकल में, एक पार्टिकल जो है उसके अंदर एक डोमेन आ जाए। ये एक सिंगल पार्टिकल, उसके अंदर ही एक डोमेन आ जाए। अगर फाइन पार्टिकल को इलोंगेट करते हैं तो एक डोमेन के मैग्नेटिक मोमेंट की दो ही वैल्यू को सिर्फ परमिट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ये जो डिजिटल प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं कि दो वैल्यूज़ को ही परमिट किया जाए। और फर्स्ट सक्सेसफुल रिकॉर्डिंग मटेरियल जो थी उसका नाम था टाउ Fe2O3, जिसका लेंथ टू विड्थ का जो रेशियो है वो था 5:1 का, और इसका जो लेंथ था नॉर्मल लेंथ less than 1 micrometer का था। इलोंगेशन इफेक्टिव हो इसके लिए स्फीयर्स के फॉर्म पे इन्हें बनाया जाता है, और खूब सारे स्फीयर्स को लेकर के चेन बनाया जाता है। चेन का एंसेम्बल या जिसे हम इलोंगेटेड सिंगल डोमेन कह रहे हैं वो सुपर पैरामैग्नेटिज्म को एग्जिबिट करते हैं, अगर मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए म्यू मैग्नेटिक मोमेंट है मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो फिर जो नेट मैग्नेटाइजेशन होगा पूरे एंसेम्बल का वो क्यूरी ब्रिलोइन लेंजविन लॉ को ओबे करेगा। ठीक है, तो ये अगर पार्टिकल्स आपके फ्रोजन होंगे सॉलिड के अंदर तो फिर रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन रह जाएगा। रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन का तो मतलब ये होता है कि कुछ बचा हुआ मैग्नेटाइजेशन, रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन, ये अप्लाइड फील्ड हटाने के बाद भी रह जाता है। तो ये कुछ बातें थी सिंगल डोमेन पार्टिकल्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।